श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंडावाला के गांव किक्करवाली के बाशिंदे आजादी के लंबे अरसे के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बख्तावर सिंह, अमरचंद, रवि कुमार सोनी, जोगिंदर सिंह, अमर सिंह, बलदेव सिंह आदि लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बहल किक्कर वाली सड़क जो कि अरसा 12 से 13 साल पहले बनी थी और इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी इस सड़क का दोबारा से कोई भी रिपेयर या टायरिंग का काम न होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है। क्या कभी इस सड़क पर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया? अगर आया तो इस ओर उसका ध्यान क्यों नहीं आया? ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में कई बार विभाग को अवगत करवाया गया लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क मार्ग पर गाड़ी चलाना मुश्किल है और बड़े बड़े खड्डों की वजह से गाड़ियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर को पीने के लिए पानी के नल लगवा रहा है तो ग्रामीणों का कहना है कि आज भी लगभग 20 साल से हमारे गांव में कोई भी नल नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने अपने निजी बोरवेल लगा रखे हैं लेकिन वोल्टेज की समस्या होने से उनकी मोटर और बिजली के अन्य उपकरण नहीं चलते हैं। इस बारे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि उनकी समस्या का हल जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि गरीब लोग अपना जीवन ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ से बोर की लाइनें बिछा के जो है पानी ऊपर लेकर जा रहे हैं, यहाँ से हमने यहाँ पर लाइन बंद करवा रखी है क्योंकि हमारे 25-30 वर्षों से ना तो IPH डिपार्टमेंट की यहाँ लाइन बिछी है, कभी ना पानी है और हमारे यहाँ बीच में लोगों को जो है पानी के बिल आ रहे हैं। इससे हमने जो है IPH डिपार्टमेंट को कई बार अवगत भी करवाया गया लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। इस बार अब लाइन बिछा रही है, हमें झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि आपको पानी मिलेगा लेकिन यहाँ पर हमारे जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या, कहीं हम मोटरसाइकिल से पानी लेकर जा रहे हैं, कभी गाड़ियों से पानी ला रहे हैं तब जाके पानी हम ये कर रहे हैं। अगर हमने अपने बोर करा रखे हैं लेकिन यहाँ पर हमारे बिजली की नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो हफ्ता हफ्ता तो बोर ही नहीं चलते नहीं है। इसके कारण जो है लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर और बिजली की सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या है। अगर बिजली हो तो लोगों का ऐसे चला रहता है लेकिन अब बिजली ना होने के कारण हमें बाइकों के ऊपर गाड़ियों से हम जो है पानी लेकर जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर दिलासे दिया जा रहे हैं कि यहाँ से आपको लाइन से हिस्से जो है मिलेगा, तो हमारी यहाँ से सारे गाँव वासियों की यही मांग है कि सबसे पहले जो है हमें पानी दिया जाए, हमारे जो है घरों में नलके लगाए जाएँ, कनेक्शन दिए जाएँ, उसके बाद जो पानी बचता वो ऊपर लेकर जाएँ, उसके लिए हम नहीं रोक रहे हैं। किक्कर वाली बस्ती में जहाँ यहाँ एक भी कोई भी नल नहीं लगा हुआ है ना IPH डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर पहले हमारी मांग यही है कि यहाँ जो है अब हमारी जो पानी की समस्या पहले हल की जाए, उसके बाद जो है पानी ऊपर ले जाएगा। धन्यवाद। पिंड साडा किक्करवाली कोड़ा वाली पंचायत, असी सारे पिंड वासी बेनती करते हैं कि जिहड़ी इह साडी किक्करवाली तो लेके बहल तक सड़क बनी हुई है, ये सारी सड़क टुट चुकी भी जी। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀ ਵੀ, ਰੋੜੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਵੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਵਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੜਕ